नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ईशा और आज मैं बात करने जा रही हूं लेखक कमलेश्वर द्वारा लिखी गई कहानी जिसका नाम है जॉर्ज पंचम की नाग। तो चलिए दोस्तों, शुरू से इस कहानी को समझते हैं। यह बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ भारत का दौरा करने वाली थी। अखबारों में इस शाही दौरे की चर्चा हर रोज हो रही थी। लंदन के अखबारों से खबरें रोज आ रही थी कि शाही दौरे के लिए कैसी तैयारियां हो रही हैं। रानी एलिजाबेथ का दर्जी काफ़ी परेशान था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी कब क्या वेशभूषा पहनेगी। रानी एलिजाबेथ का सेक्रेटरी और जासूस उनके पहले ही इस महाद्वीप का तूफानी दौरा करने वाला था। नए जमाने के हिसाब से फोटोग्राफरों की फौज भी तैयार हो रही थी। इंग्लैंड के अखबारों की खबरें हिंदुस्तानी अखबारों में भी दूसरे दिन नजर आती थी कि रानी ने एक ऐसे हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगाया गया है, जिसकी कीमत करीब 400 पौंड आया है। अखबारों में रानी एलिजाबेथ की जन्मपत्री और प्रिंस फिलिप के कारनामे भी छापे गए। साथ ही उनके नौकरों, बावर्चियों, खानसामों और अंगरक्षकों की पूरी जीवनियों को भी उनके तस्वीरों के साथ छापा गया। यहाँ तक कि शाही महल में रहने वाले कुत्तों की तस्वीरें भी छापी गई। इंग्लैंड में इस शाही दौरे को लेकर बड़ी धूम और शोर शराबा था। संख इंग्लैंड में बज रहा था लेकिन गूंज हिंदुस्तान में सुनाई दे रही थी। राजधानी में तहलका मचा हुआ था। जो रानी 5,000 रुपए का रेशमी सूट पहनकर पालम के हवाई अड्डे पर उतरेगी, उसके लिए कुछ तो होना ही चाहिए। जिसके बावर्ची प्रथम विश्व युद्ध में जान हथेली पर लेकर लड़ चुके हैं, उनकी शान शौकत के क्या कहने। और वही रानी दिल्ली आ रही है। देखते देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा। सड़कों को साफ किया गया और इमारतों को रंग कर सजाया गया। नई दिल्ली में सब कुछ ठीक ठाक था, बस एक चीज की ही कमी रह गई थी जिससे कि शाही मेहमानों के नाराज होने का डर था, और वह थी जॉर्ज पंचम की नाक, जो कि लाट से गायब हो चुकी थी। जॉर्ज पंचम की नाक के गायब होने की वजह एक लंबी दास्तां है। किसी वक्त इस नाक के लिए बड़े तहलके मचे थे, आंदोलन हुए थे, राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पास किए थे, चंदा जमा किया गया था और कुछ नेताओं ने भाषण भी दिए थे। काफी बहसें भी हुई थी, अखबारों के पन्ने रंग गए थे, लेकिन बहस सिर्फ इस बात पर थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। इस बात के लिए आंदोलन चल रहा था। जॉर्ज पंचम की नाक की सुरक्षा के लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात कर दिए गए थे, लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक एकाएक गायब हो गई। रानी आए और नाक ना हो, एकाएक परेशानी बढ़ने लगी। देश के हितैषी लोगों ने जॉर्ज पंचम की नाक के मसले को सुलझाने के लिए एक उच्च स्तरीय मीटिंग बुलाई गई। वहां उपस्थित सभी लोग इस बात से सहमत थे कि अगर मूर्ति की नाक नहीं रही तो हमारी नाक भी नहीं रह जाएगी। इसलिए उच्च स्तरीय मीटिंग के बाद यह निर्णय लिया गया कि लाट पर नाक लगाना हर हालत में जरूरी है। एक मूर्तिकार को हुक्म दिया गया कि वह जल्द से जल्द दिल्ली में हाजिर हो। मूर्तिकार यूं तो उम्दा कलाकार था, लेकिन पैसे से थोड़ा लाचार था। उस मूर्तिकार ने मूर्ति को देखकर कहा कि मूर्ति पर नाक लग जाएगी, लेकिन मुझे यह मालूम होना चाहिए कि यह लाट कब और कहां बनी थी। इस लाट के लिए पत्थर कहां से लाया गया था। वहां उपस्थित सभी हुक्कामों में से किसी को भी पत्थर से संबंधित जानकारी नहीं थी, इसलिए पत्थर से संबंधित जानकारी के लिए पुरातत्व विभाग की फाइलों की छानबीन की गई, लेकिन उनसे कुछ भी पता चल नहीं सका। हुक्कामों के चेहरों पर उदासी के बादल छा गए। एक खास कमेटी बनाई गई
और उसके जिम्मे यह काम दे दिया गया है कि जैसे भी हो यह काम होना है और इस नाग का दारोमदार आप पर है। आखिरकार मूर्तिकार को फिर बुलाया गया। उसने समस्या हल कर दिया। वह बोला कि पत्थर की किस्म का ठीक पता नहीं चला, लेकिन आप परेशान मत होइए, मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा और ऐसा ही पत्थर खोज कर लाऊंगा। मूर्तिकार की बात सुनकर हुक्कामों ने राहत की सांस ली। मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी इलाकों और पत्थरों की खानों के दौरे पर निकल पड़ा, लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी मूर्तिकार को उस किस्म का पत्थर कहीं भी नहीं मिला। और अंत में उसने लाट पर लगे पत्थर को विदेशी बताकर इस मसले से निकलने की कोशिश की। कमेटी के सभी लोग इस बात से काफी परेशान थे। तभी मूर्तिकार ने कमेटी के सदस्यों को एक सुझाव दिया। मूर्तिकार ने कहा कि देश में अपने स्वतंत्रता सेनानी नेताओं की मूर्तियां भी है, और आप लोग ठीक समझे तो जिसकी भी नाक इस लाठ पर ठीक बैठे उसे उतार लाया जाए। थोड़ी सी हिचक के बाद कमेटी के सदस्यों ने इस बात पर सहमति जताई और मूर्तिकार फिर देश दौरे पर निकल पड़ा। मूर्तिकार के पास जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक का नाप था। उसने पूरे देश में घूम घूम कर अपने देश के सभी महान नेताओं के नाकों का नाप लिया। वह दिल्ली से बंबई पहुंचकर वहां पर दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी और कांवस जी की नाकों का नाप लिया। फिर गुजरात की ओर पहुंचा। वहां पर गांधी जी, सरदार पटेल, विट्ठल भाई पटेल और महादेव देसाई की नाकों का नाप लिया। फिर बंगाल की ओर चला और वहां पर गुरुदेव रविंद्रनाथ, सुभाष चंद्र बोस और राजा राम मोहन राय की नाकों का नाप लिया। फिर बिहार की तरफ चला और बिहार होता हुआ उत्तर प्रदेश की ओर आया और वहां पर चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू और मदन मोहन मालवीय की नाकों का नाप लिया। इसके बाद वह घबराहट में मद्रास भी पहुंचा। वहां पर सत्यमूर्ति को भी देखा और फिर मैसूर, केरल का दौरा करता हुआ पंजाब पहुंचा और वहां पर लाला लाजपत राय और भगत सिंह की नाकों का नाप लिया। और इस तरह वह मूर्तिकार पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कर सब मूर्तियों को देख आया और सबकी नाकों का नाप लिया, पर सभी की नाक जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी थी। इसके बाद मूर्तिकार ने बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने शहीद बच्चों की मूर्तियों की नाकों का नाप लिया, लेकिन उन सभी बच्चों की नाक भी जॉर्ज पंचम की नाक से काफी बड़ी थी। और अंत में वह मूर्तिकार निराश होकर दिल्ली वापस आ गया। राजधानी में रानी की शाही दौरे की तैयारियां खूब जोरों शोरों से चल रही थी। जॉर्ज पंचम की लाट को नहलाकर उसका रंग रोगन कर दिया गया था। सब कुछ तो हो चुका था, सिर्फ नाक नहीं थी। सभी लोग नाक नहीं होने की वजह से काफी परेशान थे। तभी मूर्तिकार ने एक अजीब सा सुझाव दिया। उसने कहा कि चूंकि नाक लगाना एकदम जरूरी है, इसलिए मेरी राय है कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। सबको परेशान देखकर मूर्तिकार कुछ अचकचाया और धीरे से बोला, आप लोग क्यों घबराते हैं? यह काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। नाक चुनना मेरा काम है, आपकी सिर्फ इजाजत चाहिए। थोड़ी कानाफूसी हुई और मूर्तिकार को इजाजत दे दी गई। अखबारों में सिर्फ इतना छपा था कि नाक का मसला हल हो गया है और राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाठ की नाक लग रही है। नाक लगने से पहले फिर हथियारबंद पहरेदारों की तैनाती की गई। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ किया गया और फिर उसमें ताजा पानी डाल दिया गया ताकि जो जिंदा नाक लगाई जाने वाली थी वह सूखने ना पाए। और वह दिन आ गया जब जॉर्ज पंचम की लाट पर एक जिंदा नाक लगा दी गई। उस दिन सब अखबारों ने खबर छापी थी कि जॉर्ज पंचम की जिंदा नाक लगाई गई है, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती।
इसके अलावा अखबारों ने उस दिन और कुछ नहीं छापा, सब अखबार खाली थे। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर आप हमारा हौसला बढ़ा सकते हैं और हमारे चैनल हिंदी फेवरेट टेल्स को सब्सक्राइब जरूर करें। और यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताइए। धन्यवाद।